हितमस्तु मा विद्विषावहै। तथा पुत्र पौत्रान् विनिष्व एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरम् विनिष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। ट्रिमेंडस टेम्पटेशन नचिकेता को यमराज दे रहे हैं, सारी कामना इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो सकती हैं, कर दूंगा, जो चाहो तुम ले लो, जितनी भूमि चाहो उतना तुम ले लो। तो ये भी एक टेम्पटेशन है, जमीन बड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए और जीविका दिरात्री बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिमेंडस टेम्पटेशन है। लंबा जलाइफ जीवन, कैंसर हो जाता है, सफर करते हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, एक एक दिन के लिए एक एक 5-5 हजार रूपया खर्चा कर रहे हैं, क्यों प्रॉपरली सर्वाइव करेंगे 2-4 दिन ज्यादा सर्वाइव कर लेंगे, कष्ट पा के सर्वाइव करेंगे। ऐसी जीजी विषा जिसे कहते हैं जीने की इच्छा मानव में है, लंबा जीने की इच्छा, लेकिन थोड़ा सा विचार करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाउ यू आर लीडिंग द लाइफ। 90 वर्ष की उम्र है लेकिन लाइफ कोई आइडिया नहीं, गोल नहीं, कुछ नहीं। उसके बदले तो जितने भी सेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, दे लिव शॉर्ट इंटेंस लाइफ। श्री रामकृष्ण कितनी एज? 50। स्वामी विवेकानंद 39, मां 64, मां 64, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी आई थिंक 40 और समथिंग, जीसस क्राइस्ट 33, शंकराचार्य 32। इतनी शॉर्ट लाइफ दे लिव, जैसा मुरमा रोला बोलते हैं, श्री रामकृष्ण लिव्ड इन हिज 12 ईयर्स, इंटेंस साधना की, ह्यूमैनिटी के 3000 ईयर्स ही लिव्ड इन ए शॉर्ट लाइफ। सो और वी व्हाट वी गो ऑन डूइंग, वी गो ऑन रिपीटिंग द सेम एक्सपीरियंस रिपीटेडली। आपने जोनाथन सी गल की स्टोरी पढ़ी है ना आप लोगों ने, मैंने जोनाथन सी गल, उसमें जब वो स्वर्ग में जाता है कुछ लेके, उस मास्टर लेके जाता है, यहाँ इतने लोग कम क्यों है? क्योंकि दे आर ऑल मीडियोकर इन द सेंस दैट वही एक्सपीरियंस, वही टुकड़ा खाना, वही पानी में कूदना, वही रिपीट करते रहते हैं। यू फिनिश इट एंड देन गो अहेड, एक्सपीरियंस लेना है रैपिडली कर लीजिए। एक आदमी आइसक्रीम खा रहा है तो चॉकलेट आइसक्रीम हमेशा ही खाता रहेगा। अरे बाबा बहुत सारे अलग प्रकार के आइसक्रीम है, टेस्ट देम ऑल, देन गेट ओवर देम, गो टू सम अदर स्वीट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। Why do you hold on to same little experience? Janma janmantar mein wahi experience. Wahi shaadi hogi, bachche hoge, shaadi hogi, bachche hoge, wahi existence, janma janmantar chalta raha. Aise jeevan se kya laga? Isliye, ek life mein you lead an intense life and get out of it. So, ye mahapurush log aisa hi karte hain. Isliye, Nachiketa is not tempted by it. Ye kama durlabha marte loge, सर्वांश कामांश छंदतः प्रार्थयस्व, इमा रामा सरथा सतुया नहीं दृशा लंभनीया मनुष्यैः, आभिर्मत्प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानु प्राक्षी। ये थोड़ा सा बड़ा श्लोक है, 2 श्लोक, 1.5 श्लोक के बराबर है। क्या कहते हैं? ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, जो जो कामनाएं वासनाएं इच्छाएं मनुष्य लोक में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर दुर्लभ हैं, सभी को तुम सभी कामनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार, छंदता छंदता यानी अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थयस्व, प्रार्थना कर लो, मांग लो मुझसे, यानी जो यहाँ नहीं मिलते स्वर्ग की कामनाएं इच्छाएं वासनाएं तुम्हारी इच्छा हो तो वो भी तुम मुझसे मांग लो, वो सब मैं तुमको दे दूंगा। फिर कहते हैं इमा रामा सरथा सतूरिया, ये इमा यानी ये
सरथा रथ के साथ और तूरिया तूरी मृदंग तूरी होती है ना गाने के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में रामाहा जिनके साथ रमण किया जाए यानी सुंदर युवतियां डैमसेल्स ये जो है सुंदर युवतियां और इस प्रकार की ईदृशा मनुष्य ही न ही लंबनीय जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं बढ़िया रथ हैं और फाइन म्यूजिक के बढ़िया बढ़िया संगीत है वो सब यहाँ पृथ्वी लोक पे नहीं मिलेगा वो सब तुम मांग लो मनुष्य मनुष्यों से नहीं मिल सकता मत प्रत्याभिपरिचारयस्व मेरे द्वारा प्रदत्त मत प्रत्याभि मेरे द्वारा प्रदत्त उनके द्वारा अभिचारयस्व अपने परिचर्या करवाओ वो तुम्हारी सेवा करेंगी ये सुंदर सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां नचिकेतः मरणम मां अनुप्राक्षी पुनः अनुप्राक्षी पुनः मुझसे मृत्यु के बारे में मत मांगो मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब बातें तुम मत करो पृथ्वी के सारे सुख दे दिए अब स्वर्ग के सुख भी ऑफर कर रहे हैं कितना बड़ा टेम्परेशन एंड 99% आयुष हम लोग सब कोई ना कोई इसी में हो जाएंगे जैसा मैंने कहा ना कि कोई पढ़ेगा तो कहेगा अरे कितना मूर्ख था थोड़ा और कहता नहीं 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 स्वर्ग का केवल होगा क्या ऊपर है और स्वर्ग नहीं है क्या ऐसा करके थोड़ा बार्गेनिंग करता यमराज सूर्य पंजे में आ गए हैं पकड़ में आ गए हैं वो देने को तैयार है मांग लेना और क्या मांगा उसने कुछ नहीं मांगा मृत्यु के बाद क्या अरे इससे क्या होगा लोग तो यही कहेंगे 99% लोग यही कहेंगे अरे मिल रहा है ले लो नहीं तो ऐसा नहीं हो कि न घर के रहो न घाट के रहो ये भी है प्रॉब्लम अरे संसार का कुछ नहीं लिया और भगवान नहीं मिले न माया मिली न राम ऐसा तो नहीं हो जाएगा कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कोई लोग साधु बन जाते उनके बाद में भी डाउट हो जाता है अरे क्या होगा मिला कि नहीं अरे हम छोड़ के गलती तो नहीं किया अरे संसार में रहता तो थोड़ा बहुत तो भोग मिलता हमारे ब्रह्मचारी है उनके फादर ब्रह्मचारी जब बन गया साधु बन रहा था सोच ले यहाँ पे जो है ना वो चांदी का कुछ है यहाँ पे भी है आनंद है सुख है सोच ले तो जाने के पहले जो हुआ। वहाँ पे मिलन मठ वो खाते हैं ना सब्जी भाजी काटते हैं साधु लोग कई लोग बैठ के सीनियर साधु से बैठ के और कटिंग वेजिटेबल्स जो आपको ड्रेसिंग के वेजिटेबल्स कहते हैं ना खाना बनाने के लिए तो खाना बनेगा अब 11-12 बजे तो 8 बजे लोग बैठ जाते हैं साधु वहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डाइनिंग हॉल है उसके पीछे हमारे वहाँ पे जगह है वहाँ बैठ जाते हैं तो ये करते हैं एक बार जगदानंद जी बैठे हुए तो बात उठाइए आपने तो बोल रहा हूँ जगदानंद जी ये जो ग्रेट मास्टर के ट्रांसलेटर बहुत बड़े संत थे कभी मौका मिलेगा कहानी सुनाएंगे उनके वो भी बैठे हुए थे उस दिन माँ शारदा आई थी माँ ऐसे ही घूम रही थी सब लोग ले जा रहे थे तो वहां से जा रही थी माँ तो देखा कि बस सब बच्चे वो सब्जी काट रहे हैं छील रहे हैं देखा माँ को बड़ा अच्छा लगा वाह तो चलेगा तो खा लो बच्चे तो बहुत अच्छे से सब्जी वब्जी काटते हैं तो जगदानंद जी बोल दिए जगदा बोल दिए महामाया को प्रसन्न करना है जब ध्यान करके करें या सब्जी भाजी काट कर माँ एकदम झेप गई ना अरे मेरे को पकड़ लिया जगदम्बा को माँ बोला ना माँ जगदम्बा माँ ने अपना जैसे घूंघट आगे से निकल गई तो सच बात है अगर भगवान के काम भगवान इस भाव से करे भगवान का काम है तो झाड़ू लगाना सब्जी भाजी काटना इज एज गुड एज एडमिनिस्ट्रेटिंग तो जो हो वो यहाँ पे बहुत सारे ये सारे बात उसको बोलता है नचिकेता अब नचिकेता का उत्तर देखिए ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए हम लोगों को छोटे मोटे टेंशन से ही खत्म कर देते हैं
लेकिन नचिकेता का विवेक वैराग्य ये टेस्टिंग हो रहा है ना, विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति, मैंने बताया था साधन चतुष्टय, तो देखेंगे कि उसमें विवेक भी है वैराग्य भी है, जानने की इच्छा है, मुमुक्षा के बदले यहाँ पे जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा है, वो सब है उसके अंदर। नचिकेता क्या उत्तर देते हैं, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वे इन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। क्या कहते हैं, हे अंतक शोभावा, हे अंतक यानी डेथ, हे अंतक त्वदुक्ता भोगाः, आपने जो भोग की बात की, इतने सब पृथ्वी लोक के सारे भोग दे रहे हो और स्वर्ग लोक के भोग देने की बात करते हो, वो क्या है, शोभावा, श्व यानी कल, कल को कहते हैं श्व, अद्य यानी आज, परश्व, परश्व यानी परसों, आज को बोलेंगे अद्य श्व परश्व, तो श्व यानी कल, अभावा श्व अभावा, जिनका कल अभाव होने वाला है, यानी अनसर्टन इन देयर एग्जिस्टेंस इवन टिल टुमारो, कल भी रहेंगे कि नहीं पता नहीं, कितने दिन रहेंगे, दैट इज द ट्रांसिएंट, जितनी चीजें बात ने पते के अनित्य है, श्री रामकृष्ण की बात कल कर रहे थे अपन, नित्यानित्य विवेक करो, इसका उद्देश्य क्या है, नित्यानित्य विवेक के द्वारा संसार से मन को हटाना है। और मैंने पूछा था ना कि ईश्वर में मन कैसे लगे, नाम भगवान का नाम गुण गान करोगे तो भगवान में रुचि आएगी, अभी क्या है, भगवान में अरुचि के कारण मन नहीं लगता, जिसको हम प्रेम करते हैं रुचि है उसमें मन लगता है, बच्चे में अपने पुत्र में माँ का मन लग जाता है, धनी व्यक्ति धन में मन लग जाता है, जहाँ जहाँ पे हमको अच्छा लगता है वहाँ मन लग जाता है, लेकिन भगवान में क्यों नहीं मन लगता, वो हम जही जानते हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं नाम गुणगान करने से, भजन करने से, नाम से भगवान में रुचि आएगी, और संसार से मन हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चीज भी करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम, दोनों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा भी और वैराग्य के द्वारा भी, ये वैराग्य भी, संसार से मन नहीं हटाओगे तो भगवान में नहीं लगेगा, मन एक में लगेगा दो में नहीं लग सकता, तो इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं नित्य अनित्य विवेक करो, जो अनित्य है उसको छोड़ दो, ग्लानी होवे दुखपूर्ण होवे, सेंसिटिविटी, जैसे कहा कि बुद्ध में सेंसिटिविटी थी, सब कुछ था लेकिन वो फिर भी छोड़ दिया, तो कहते हैं कि स्वभाव कल तक भी नहीं रहेंगे, इसलिए मतलब यह है कि ट्रांजिटेंट है, अनित्य है, कि और यही नहीं है, मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम, मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत् तेजः एतत् जरयन्ति, और इंद्रियों के भोग की बात कह रहे हो तो भाई कब तक है, शंकराचार्य बोलते हैं ना, वयसि गये कह काम विकार, शुष्के नीरे कहकार, नष्टे द्रव्ये क परिवार, ज्ञाते तत्वे क संसार, बोलते हैं कि जब वयस उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, तब फिर काम विकार क्या होता है, काम को एंजॉय, संसार मनुष्य एंजॉय नहीं कर सकता, इंद्रियों का तेज जो है वो नष्ट हो जाता है, बुढ़ापा हुआ सब खत्म हो जाता है, तो अर्जुन बोलते हैं कि आप कितनी उम्र देगो, कितने दिन भोग करूंगा मैं, उसके बाद बुढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद भोग भी नहीं कर सकूंगा, और वही ययाति जैसी हालत हो गई, हो जाएगी, उम्र खत्म हो गई लेकिन भोग की इच्छा पूरी नहीं हुई, बूढ़े हो गए लेकिन भोग की इच्छा पूरी नहीं होगी, कभी खूब भोग नहीं होता, समाप्त बूढ़े ना उसमें, न जातु काम कामाना भोगे न उपशाम्यति हविषाक्ष कृष्णवर्त में वह भूये विवर्तते, तो उसने कहा कि ये तेज, इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाएगा। तीसरी बात, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और लाइफ का के 100 साल जी लो,
लोग 100 साल 150 साल जीना चाहते हैं। अरे भाई कभी न कभी तो मरोगे, तुम्हारी लाइफ जो है वो हमारी लाइफ जो है देवताओं की लाइफ से कितनी शॉर्ट है, और कीट कीट पतंगों की लाइफ कितनी है, कुछ तो है कि वो मॉर्निंग में जन्म होता है इवनिंग में खत्म हो जाते हैं, ये कुत्ता जो है 12-15 साल में खत्म हो जाता है, वो उनकी हमारी लाइफ उससे कितनी ज्यादा है, और हमारी लाइफ जो है वह देवताओं की लाइफ की तुलना में एक दिन बस। सो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज नो टेस्ट, हाउ यू लिव दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। से बार बार मस्ट लिव ए इंटेंस लाइफ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अपि जीवितम अल्पमेव, इसलिए ये तीन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं, ट्रांजिएंट जीवित जीवन भी अल्प ही है, इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है, और भी मुझे बता देंगे, इसलिए तवे वाहा तव नृत्य गीते। बिल्कुल जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि वो कल कहा था जिस भाषा में, अरे भाई मेरे को छोड़ दे, ऐसा मत करो मत मांगो, ये भी कहते हैं तवे वाहा तव नृत्य गीते, ये नृत्य और गीत जो है, ये घोड़े वाहा घोड़े और ये नृत्य गीत, ये जो सब बताया आपका, तब एव वाहा आपके पास रहे, आपकी चीज आपके पास ही रहे, आप अपनी चीज अपने पास ही रखो भैया, जैसे बोलते ना अपन कलंक, नहीं आपकी चीज अपने पास ही रखो। बड़ा सुंदर ढंग से नचिकेता वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्त मद्राक्ष चेत्वा जीविष्यावो जीविष्यामो यावदिशिष्यसी त्वं वरस्तु मे वर्णीय स एव। क्या कहते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य जो है वह वित्तेन न तर्पणीय, वित्त से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। देख लीजिए आप बिलियनियर ट्रिलियनियर क्या क्या सब हो रहे हैं, और भी वासना पड़ती चली, और कई कई कहानी सुनती है, पुराने जमाने में कोई कहानी सुनाते थे, एक करोड़पति था तो कुछ घाटा हो गया, पता चला है कि आपकी मतलब फिर अभी 2 करोड़ रुपया ही बचा है, ऐसा कुछ बोला होगा, या फिर कम हो गया है 50 लाख बचा, बस इतना ही बचा हुआ है खत्म। स्टैंडर्ड ही दूसरा है भाई, और नो वन इज सेटिस्फाइड, पैसे के द्वारा कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, और वो तो बहुत सारी कहानियां हैं उसकी, वो एक घड़े है ना, वो एक घड़े का है, एक यक्ष ने किसी को घड़ा दे दिया, वो राजा तो बड़े आनंद में एक आदमी रहता था, धीरे धीरे देखा कि वो दुबला होता चला है, उदास होता जा रहा है, क्या बात है पता चला, राजा जानता, राजा ने कहा कि अच्छा तुमको वो यक्ष से मुलाकात हुई थी क्या, क्या हुआ, उसने उसको सोने की वो दे दिया, घड़ा दे दिया, थोड़ा सा खाली वो, तो अब उसको भरने की इच्छा होने लगी, तो जितना भी होता तो जितना पैसा कमाता उसका सोने की मोहर करके उसमें डालता, और वो ऐसा है कि वो कभी भरता नहीं। तो बेचारा दुबला हो गया, न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। बट डू यू रियलाइज इट, इसीलिए कहते हैं कि पैसा हो गया तो देव गिव एज मच एज यू कैन गिव, वो कम आएगा, फ्लो बना रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि इस कमरे में अगर आप खिड़की खोलोगे नहीं, हवा निकलने नहीं दोगे, तो अंदर से बाहर से हवा नहीं आएगी, अंदर वो हो जाएगा, पैसा जमा करते जाओगे तो बाद में या तो चोर ले जाएंगे, आपके बच्चे ही उसको निकाल के और शराब पी के नष्ट कर देंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो गया कुछ भी बता देंगे। वो मैंने बताया था शायद पिछली बार भी, एवरी इंक्रीज इन इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन हाइपरटेंशन, हमारे अंकल ने रिसर्च किया था, सर्वे बॉम्बे में उन्होंने 1000 केसेस का सर्वे किया था ब्लड प्रेशर के,
हाइपरटेंशन एंड ही फाउंड आउट वेरियस कोरिलेशंस उन्होंने किया थे. तो वन ऑफ दिस एवरी इंक्रीज इन इनकम आफ्टर अ पर्टिकुलर मिनिमम उसके बाद में एवरी इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो वित्ते न तर्पणियों उल्टा तर्पणीय तो संतोष तो हो जाए नहीं और ब्लड प्रेशर होगा प्रॉब्लम्स होगी. सो वन हैज टू बी उसमें फंसना नहीं है. और नचिकेता क्या कहता है त्वाद रक्षाम चेत वित्तम लप्स्याम है. और हमने जब आपको देख लिया है हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके जैसे देवता की कृपा प्राप्त हो गई है तो जब भी जरूरत होगी तो आपसे पैसा मांग लेंगे दिक्कत नहीं होगी. वेरी स्मार्ट माँ ठाकुर भी तो बोलते हैं ना कि मैंने पैसा माटी टाका टाका माटी करके डाल दिया पैसा का त्याग तो दिया फिर लगा कि कहीं लक्ष्मी क्रुद्ध हो गई देवी माँ लक्ष्मी यदि क्रुद्ध हो गई और मेरा खाना पीना बंद कर दिया तो थोड़ी मुश्किल हो जाएंगे. लेकिन माँ तुम माँ जगत लक्ष्मी तुम हृदय में रहो बाहर नहीं. किसी ने कहा कि तू चालाकी है थोड़ी चालाकी तो है ये थोड़ी चालाकी कर रहे हैं. अरे आपसे तो पैसा मिल ही जाएगा जब भी जरूरत होगी हम तो मांग लेंगे आप क्या है उसको रखने की क्या जरूरत है. यावत जीवस वित्तम लक्ष्या में अच्छा उसने कहा था धन की बहुत करी थी धन का दो जवाब दे दिया. एक तो धन से संतोष होने वाला नहीं है हमारी संतोष बढ़ जाएगा दुख होगा. पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं संतोषात अनुत्तमम सुख लाभ. ये यम नियम आसन प्राणायाम जो है ना अष्टांग योग में दूसरा है नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान. कल मैंने अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह की थोड़ी सी चर्चा की थी. शौच पवित्रता अंदर की बाहर की पवित्रता संतोष फिर तपस्या फिर स्वाध्याय और ईश्वर पर शरणागति ये पांच यम नियम बोलते हैं संतोष. और उसमें कहते हैं जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ वैसे ही संतोष प्रतिष्ठायाम संतोषात कर दिया उन्होंने संतोष में अगर प्रतिष्ठा हो तो अनुत्तम सुखम अत्यंत सुख प्राप्त होता है. अनुत्तम यानी उससे उत्तम और कोई सुख नहीं. और सोच सकते हो कोई आदमी अगर संतुष्ट हो तो फिर क्या चाहिए. जय विधि राके राम तय विधि रहिए जिस प्रकार रहा भगवान का नाम करते रहिए अच्छे रहे तो भी बढ़िया कमरे में रहे तो ठीक है नहीं तो पेड़ के नीचे रहे जैसा भी हो संतोष. कभी रोटी घी में सना कभी सूखा चना कभी गोभी बना साधुओं का नियम. कभी महल में रहे स्वामी विवेकानंद कभी पेड़ के नीचे रात गई कभी भिक्षा मांग के खाई कभी राजाओं की हाँ भिक्षा खाई और संतोष. इसलिए वो नचिकेता कहता है कि ये सब नहीं चाहिए संतोष नष्ट हो जाएगा. और दूसरा कहता है अगर धन की आवश्यकता तो आपको दर्शन कर ही दिया. फिर कहा था लॉन्ग लाइफ दीर्घकाल तक जीवित रहो कहते हैं तथा यावत त्वम विशिष्यसी जीविष्याम जितने समय तक आप रूल करेंगे जब तक आप हैं तब तक हम कितना जीवन करेंगे. मृत्यु तो है ही केवल आठ चिरजीवी माने गए मालूम है ना आठ चिरजीवी मालूम है. हनुमान जी परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य राजा बलि विभीषण मार्कंडेय ऐसा कुछ है एक और है फिर उस तरह का. तो ये ऐसे आठ चिरजीवी माने गए हैं वो कभी मरते नहीं है. लेकिन अवतार भी मरे हैं याद रखिए राम और कृष्ण भी मरे हैं राम कृष्ण भी मरे हैं. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट लॉन्ग लाइफ. और अश्वत्थामा जैसी तो बड़ी दुर्गति है ना उसको यहाँ से वो निकाल दिया उसका मणि तो वो बेचारा मर भी नहीं सकता और हमेशा दुख पाए ऐसे जीवन से क्या लाभ. मृत्यु जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है.
As a matter of fact, it is a great relief. हो गया जीवन अब बुढ़े हो गए, चलो अब मृत्यु अपने को मुक्ति प्रदान करे। इसमें तो किताब में हमारी किताब शेरवा रंजी ने कभी नोट्स कमेंट्स वगैरह लिखे हैं, तो उसके अंदर ये भी लिखा है, वही डेथ के संबंध में भी डिस्कशन हुआ। वी मस्ट होल कम्प्लीटली चेंज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ, वी अफ्रेड ऑफ डेथ। डेथ जो है बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मृत्यु से डरते हैं। यतीश्वरानंद जी से कभी बीमार थे, वो डॉक्टर देखने का भी आया तो चला गया डॉक्टर देख कर, तो उनके जो सेवक थे सोमनाथ महाराज उनसे पूछा क्या बोला डॉक्टर, कि नहीं ठीक है ऐसा ऐसे कुछ करने लगे, लेकिन बोलो ना टेल व्हाट इज ड्रीम, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सो मैनी सेंट्स जो है वो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते। कल बात हो रही किसे विचक्षण श्री जी की मैंने बात की थी, जैन संत थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हो गया था। किसको? विचक्षण श्री करके एक संत थी, जैन सन्यासी साध्वी थी, उनको कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हो गया। मैं पहले बहुत जाता था उनके पास, जब भी मिला हूँ बहुत उपदेश दिए, और उनको माँ जैसा प्यार करती थी और बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए, बताएंगे कभी स्टोरी रात को बताएंगे। तो जब कैंसर ब्रेस्ट हो गया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, साल तक कष्ट पाती रही, कभी 7-8 दिन तक पेन में बैठे रहना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, चुपचाप शांत बैठे। उसके बाद में मैं जब उनका शरीर ऐसे था मैं मिल नहीं पाया, उनकी शिष्या थी मणिप्रभा, तो मैं जब भी जाता था से मिलने के लिए तो वो उनको बुला देती थी, मणिप्रभा को बुला देती, मेरे पास बैठो, और हम लोगों का डिस्कशन, मैं प्रश्न पूछता था वो जवाब देती थी। वो चाहती थी कि मणिप्रभा भी शी वॉज अंडर ट्रेनिंग, यू नो जैसे मास्टर महाशय बुलाते हैं ना, ठाकुर को मास्टर महाशय बुलाते हैं, और मास्टर महाशय ठाकुर बुला रहे हैं, क्यों वो फलाना फला लोग आया बात करेंगे, मास्टर महाशय चाहते हैं सुने रिकॉर्ड करने की, तो वैसे वो मणिप्रभा को रखते। तो मणिप्रभा जी से मैं बाद में मिला, वो नाउ शी इज द हेड ऑफ देयर कॉन्ग्रीगेशन। तो मणिप्रभा जिनसे मिला था उन्होंने मेरे को छोटा सा फोटो दिया विचक्षण श्री जी का, मेरे पास अभी भी है, उसके नीचे लिखा हुआ था व्याधि में समाधि। और देखा दुबली हो गई है लेकिन चेहरा ब्राइट है, जो पिक्चर मेरे पास है ना, चेहरा शी स्माइलिंग ब्रॉड स्माइल, जैसा हमने देखा था उनको वैसा ही, बहुत ही अट्रैक्टिव थी वो। और उस समय भी उस उम्र में जब कैंसर हो गया बुढ़ापे में भी दैट तेज और आकर्षण, दुबला पतला शरीर लेकिन फिर भी आकर्षण व्याधि में से। तो दे डोंट वरी अबाउट डेथ। जैनिज्म में तो संथाली का नियम है ना, कि जब आप ये नियम नहीं पालन कर सको, सुबह शाम उठ के ये करना वो करना वो सब नहीं पालन कर सको, नचिकेता यमराज के पास गए, उसके बाद में इन्होंने शर्वानंद जी ने कमेंट किया है, यमा बीइंग द गॉड ऑफ डेथ एंड प्राइम कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी देयरफॉर हु कैन बी ए बेटर इंस्ट्रक्टर ऑफ द आफ्टर डेथ कंडीशन ऑफ मैन एज देन ही। द स्टोरी अपार्ट, death indeed holds the secret of life, when tapped judicially it never fails to reveal the truth of the transcendental self. Beautifully fit what now, death it holds the secret of life, when tapped judicially, you find out, you to Nachiketa kar raha hai na, he's tapping at death, what happens after death, he wants to find out the secret of life by tapping death. जीवन का क्या रहस्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है, how do we live life, that by tapping death. Reveal that judicially tapped, it never fails to reveal the truth of the transcendental self. Meditation on death helps us to realize most forcibly the ephemerality of the physical life and its absolute distinction from the permanent element of consciousness that constitutes our real life, real being.
Meditation on death. Swami Vivekananda bhi kehte the. What did he do? Kashmir jab gaye the, to maa Jagadamba ke vikral roop ka dhyan kiya tha. Jo samvhar karti hai, naash karti hai. Mrutyu roopa Kali ka dhyan kiya tha. And that Kali the mother, that poem iske baad mein unhone likhi thi samadhi mein. Us through the path of death he realized the Kali, the mother. Aur end mein kehte hai na, who dares misery love and hug the form of death, dance with destruction's dance, to him the mother comes. Mrityu ko paana, swikar karna. Swami Vivekananda kehte the ki meditate on death. Imitation of Christ may be hai, meditation on death, consideration of death. और क्यों स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं मेडिटेट ऑन डेथ क्यों यू विल गेट स्ट्रेंथ यू ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ यू विल गेट क्योंकि जो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं वो सब मृत्यु से है उसको मृत्यु को हम मेडिटेट कर रहे हैं तो डर सब चला जाए ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ पावर कर स्वामी विवेकानंद ने एक उसमें लिखा है अपना एक हिज टॉक वन ऑफ हिज टॉक्स टू द मॉन्क्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन कंप्लीट वर्स के थर्ड वॉल्यूम में आप देखेगा लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है उसमें आता है संन्यास एंड इट्स आइडियल ये है तीन चार पेज का है वो उसमें स्वामी विवेकानंद सेकेंड टाइम अमेरिका जाने के पहले सन्यासियों रामकृष्ण मिशन के सन्यासी ब्रह्मचारी लोगों को उन्होंने एड्रेस किया उन्होंने कहा कि अभी टाइम ज्यादा नहीं है मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूं वो कहते हैं कि पहली बात कहते हैं संन्यास मीन्स लव ऑफ डेथ संन्यास मीन्स लव ऑफ डेथ इसका मतलब ये क्या है कि तुम सुसाइड कर लो नहीं जस्ट द अपोजिट संसारी लोग जीवन को प्रेम करते हैं मृत्यु से डरते हैं सन्यासी मृत्यु को प्यार करेगा मतलब वो अपने शरीर को सबल बनाएगा लोगों के कल्याण के लिए मृत्यु को वरण करेगा ही डाइज एवरी डे एवरी मोमेंट फॉर द गुड ऑफ अदर्स दैट इज द आइडियल ऑफ सन्यास तो यहां पर यही कहते हैं ब्यूटिफुली दिस सेंटेंस इज ब्यूटिफुल मेडिटेशन ऑन डेथ हेल्प्स अस टू रियलाइज मोस्ट फोर्सिबली द एफिमेरिटी ऑफ फिजिकल लाइफ And its absolute distinction from permanent element of consciousness that constitutes our real being. ये शरीर चला जाएगा मन बदल जाएगा नहीं रहेंगे ये लेकिन कुछ रहेगा जो हमारी वास्तविक सत्ता है वो बनी रहेगी Then why do we worry about it? तो इसे डर यही है इसलिए कि हम शरीर से आ सकते हैं शरीर से आसक्ति छोड़ दी अपने आत्मा का स्वरूप का हमने ध्यान किया हम नहीं मरने वाले न जायते मृियते वा कदाचित आज सुबह हमने गीता में पढ़ा ना अशोचान अन्वशोचस्तम पागल की जैसी बात कर रहे हो इतने ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे अरे पागलों जैसी बात कर रहे हो कुछ मरने वाला है नहीं शरीर तो है जाएंगे आएंगे आत्मा में कभी मरने वाला शरीर ही जो है उसके अंदर रहने वाला और मरने वाला नहीं Moreover, even from the very beginning of human history, the idea of death has ever been one of the strongest motive powers of religion and the religious life. Idea of death. You know, we have to transcend death. We have to struggle to go beyond death. Amar hone ki baat jo hai. So, reflection on death is specially enjoined on a mumukshu. When desiring final release from birth and death, in order to evoke in him strong dispassion, vairagya for worldly things. जो भी मुमुक्षु हैं, आप लोग सब मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, आप लोगों को एंजॉय किया गया है मेडिटेशन मृत्यु पर अवश्य ध्यान कीजिए तब आपका मन इस संसार से हटेगा संसार के प्रति वैराग्य होगा और वैराग्य मतलब घबराइए नहीं कई बार 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 कह चुका हूं कि ये वैराग्य से घबराना नहीं चाहिए वैराग्य इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ए ह्यूमन बीइंग कैन गेट वैराग्य का मतलब साधु बनना नहीं है अनासक्त होकर संसार में रहना जैसे राम रहे
कृष्ण रहे, सब राम किया लेकिन फुल्ली अंदर एकदम वैराग्यवान। राम जंगल में गए थे बिल्कुल वैराग्य और ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। कई बार कहानी सुना चुका हूं मैं, वापस रिपीट नहीं करूंगा। तो मृत्यु का ध्यान करने से वैराग्य होता है और हमारे मन में मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। और नचिकेता में ये थी मृत्यु के बारे में, मृत्यु को फेस किया उसने, सारा विचार किया। तो आई थिंक इज ए गुड डिस्कशन ऑन मृत्यु तो हुआ थोड़ा बहुत। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट यू नो, मृत्यु का मेडिटेशन ऑन मृत्यु, डेथ पर ध्यान करना, बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ एवरी डे। कुछ लोग हैं कुछ सन्यासी रोज सोचते हैं कि इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में लिखा है कि सोचो कि आज तुम हो कल शायद नहीं रहोगे, ये सोचो ठीक तो कितना स्ट्रेंथ मिलेगा। यू आर रेडी, ऑलवेज रेडी। और हुआ है ना कितने लोग हो गए हैं, आज मिले करते हैं तब तक बोल के जाएंगे मैं वहां जाके फोन करूंगा, वो फोन होता है ना, ये तो होता ही है। हम लोगों का क्या भरोसा, अहनी अने भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत अपरम। यक्ष प्रश्न जो था महाभारत में, महाभारत में युधिष्ठिर ने से यक्ष मिला, उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे और तब उसमें एक प्रश्न था किम आश्चर्य, कौन सा आश्चर्य है। तब ये कहते हैं कि प्रतिदिन मनुष्य मृत्यु के मुख में जा रहे यम मंदिरम, ये यमराज के मंदिर में जा रहे हैं, बाकी जितने बचे हुए सोचते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, कोई नहीं रहने वाला है कोई को। और आप लोग जितने सीनियर सिटीजन हो गए हैं, गेट प्रिपेयर्ड फॉर डेथ सीनियर सिटीजन और जूनियर सिटीजन, शाम को भी देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं। वो ये है कि think that in the morning, think in the morning that you may not live till the end, night, and in the night think that you may not get up in the morning. कोई डिप्रेशन की बात नहीं है, बड़ा स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं बड़ा स्ट्रांग होंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है उसके बाद में, अरे क्या है सर, बड़ा छोड़ छाड़ के तैयार बैठे हुए। तो ये हो गया जीवी श्याम यावद ऋषि शशि तम, जब तक आप हैं तब तक हम जीवित भी रहेंगे। मतलब यमराज के उसने कहा था तुम जीवित जीवन मांग लो तो क्या आप हैं तब तक हम भी जीवित रहेंगे, तो दोनों तरह से धन भी मिल जाएगा जीवित रहेगा, तो दोनों अपने आप पर मांग लिए आप है तब। और उसके बाद में प्रस्तु एव वर्णीय स एव, मेरे लिए वर्णीय जो है वह वर तो वही है और कुछ नहीं, मैंने जो वर मांगा है वही चाहिए। अजीर्यता मर्म मृतानुपेत्य जीर्यन मर्तः पदस्थः प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदात नाति दीर्घे जीविते को रमेत। उसी को वे कंटिन्यू करते कहते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अजीर्यताम अजीर्यताम यानी जो नष्ट होने वाले हैं, इम्पेरिशिबल नहीं, जो नष्ट नहीं होने वाले हैं, जीर्ण होना वाला जो नष्ट होता है जीर्ण होता है, अजीर्यताम जो नष्ट नहीं होने वाले हैं, अमृतानाम इम्मॉर्टल बीइंग्स नष्ट न होने वाले सदा रहने वाले देवताओं के पास उपेत्य उनको पास करके उनके पास पहुंचकर तेभ्यः उत्कृष्टतरः ऐड करना पड़ेगा प्राप्तव्यम प्रयोजनम फ्रॉम देम, क्या है प्रजानन उनको जानकर पथस्थ जीर्यन कह मर्त्य वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते रमेत। पर स्वर्ग के देवताओं आपके जैसे लोगों के पास पहुंचकर यमराज का दर्शन करके कौन सा मूर्ख मानव होगा, मर्त्य व्यक्ति होगा जो स्वयं तो मरने वाला है और
उनसे अधिक अच्छा वर प्राप्त कर सकता है, ऐसा जानकर भी कोई व्यक्ति ये वर्ण रति प्रमोद यानी डांसेस और इसके अंदर क्यों अपना जीवन बर्बाद करेगा। अरे वो तो यूं ही मिल जाएंगे, आपके पास आ गए, यमराज के पास, बड़े देवता हैं, अमर हैं, सब कुछ है, ऐसा सोचकर फिर ये चीजें की कौन इच्छा करेगा, तो और से ज्यादा कुछ मर सकता है। इस वर्ष एंड द प्रीसीडिंग टू क्लियरली सेटिस्फाई हाउ डीपली नचिकेता वॉज कन्विंस्ड ऑफ द अटर मीनिंगलेसनेस ऑफ ऑल सेल्फ थॉट्स। जिसको हम कहते हैं ना शम दम, उपरती जो शम दम उपरती, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। संसार के भोगों के प्रति छोटी छोटी चीजों की इच्छा, उसकी इच्छा, धन की, कपड़े वस्त्र इत्यादि सबकी चीज इच्छा, वो कितने तुच्छ है, कितने इन्फीरियर है, फ्लीटिंग नेचर और मीनिंगलेसनेस ऑफ सेंस प्लेजर्स एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। जीवन जो है क्षणभंगुर है, इवन दो इट माइट बी एक्सटेंडेड मोर देन द नॉर्मल स्पैन ऑफ मैन्स लॉन्जेविटी। 100 साल नहीं, 2 साल भी रहो, लेकिन वो ट्रांसिएंट है। ही थिंक्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेन मैन रियलाइजिंग हिज ओन मॉर्टल नेचर टू आस्क फॉर इफिमिनल वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स फ्रॉम द इमॉर्टल गॉड्स। दैट्स द आइडिया। कोई समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो है देवताओं के पास आके इन चीजों को मांगेगा, इट इज एब्सोल्यूट फूलिशनेस। हाउ स्ट्रांगली दिस पोर्शन इज वेरी ब्यूटिफुल, हाउ स्ट्रांगली वैराग्य उसके मन में, विचार विवेक वैराग्य कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है। दीज आर द फाउंडेशन। यमराज यही जानना चाहते थे कि इसमें यह है कि नहीं तो बोल दिया क्या होता है, उसका इफेक्ट नहीं होगा। उत्तम अधिकारी के बिना आप ज्ञान को समझ ही नहीं सकेंगे, प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। मन को एक तरफ से सब तरफ से हटाए बिना मन परमात्मा का एनालिसिस कर नहीं सकता, उनको पहचान नहीं सकता। ही शुड आस्क फॉर नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट वुड मेक हिम इमॉर्टल। दिस ईगर हैंकरिंग ऑफ हिज फॉर अटेनमेंट ऑफ इमॉर्टलिटी ट्रूली स्पीक्स ऑफ हिज यर्निंग फॉर द हायर लाइफ। कुछ नहीं छोड़ दिया आप, नहीं, एवरीथिंग इज एक स्टेज, यू शुड बी एबल टू छोड़ के, यू डोंट लुक बैक। कृष्ण मिशन में भी सन्यासी हो गया, मैंने सुना गंभीरानंद जी का था, जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो एक बार उन्होंने कहा कि महाराज, किसी ने कहा कि महाराज वो उस सेंटर में ऐसा सब हो रहा क्या, डोंट टेल मी, आप क्या बोलना चाहते हैं, डोंट टेल मी दिस, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया है, मैं स्पिरिचुअल हो गया, फील्ड हैज बिकम डिफरेंट। नो कंसर्न, नो कंसर्न। और उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता था, एंड देन व्हेन ही लेफ्ट, तो वहां पे भी यानी ऐसा मत समझिए कि संसार आप लोगों का ही संसार है, हम भी संसार में रह रहे हैं और वहां पे भी हमारी कैपेसिटी होना चाहिए कि बस ब्रेक कर दिए, ब्रेक कर दिए, मेंटली बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ऐसा वक्ति उसके बाद नचिकेता वापस आया होगा, सारा जीवन उसने व्यतीत किया होगा, लेकिन वो उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर, जैसे राम ने किया, राम ने ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर सारी लीला की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहां पर है, यह दोस्त इसका। अस्मिन् निदम् विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योयम् वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। एंड करते हुए कहते हैं कि हे मृत्यो, यस्मिन् महति संपराये, यस्मिन् यानी जिसमें महान संपराये, लाइफ एंड डेथ संपराये, लाइफ आफ्टर डेथ संपराये, मरने के बाद की जो स्थिति है,
यत इदम विचिकित्संति, जिसके बारे में प्रश्न है, लोग प्रश्न करते हैं मरने के बाद क्या होता है। नह तत् ब्रूहि, जो मैंने पूछा था वह बताओ, जिसके बारे में मैंने पूछा, जिसके बारे में इतना बहुत बड़ा शंका डाउट है मरने के बाद क्या होता है, आत्मा है तो उसका स्वरूप क्या है, यह सब बताओ। अयम गूढ़म अनुप्रविष्ट है, यह जो गूढ़ मिस्टीरियस सीक्रेट है, अनुप्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट हैज एंटर्ड, यानी रिलेटेड टू, मैंने जो प्रश्न किया है उसमें जो सीक्रेट निहित है, नचिकेता तस्मात अन्यम न विनीते, उसके अतिरिक्त नचिकेता कुछ नहीं जानना चाहता, नहीं चाहता। ओ डेथ, अबाउट द सुप्रीम लाइफ एंड डेथ रिगार्डिंग विच दे हैव डाउट, टेल मी अबाउट इट। नचिकेता डज नॉट चूज एनी अदर बून दैन दैट इनकम्प्रिहेंसिबल वन, जो समझ में नहीं आता उसके सिवा कुछ नहीं जानता। हाउ ब्यूटिफुल, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, कहते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण। वी मस्ट, ये वैराग्य डेवलप करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हम इन्वॉल्व हों अच्छी एक्टिविटी में है। हम तो रामकृष्ण मिशन के, हमारे को कोई अटैचमेंट नहीं है, आज रखा कल ट्रांसफर कर दिया छोड़ते चले गए। बट वेर एवर यू आर, हमारे घर में है या ऑर्गेनाइजेशन में है, इसके भी अटैचमेंट हमको छाटना पड़ेगा। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, चाहे कितना भी अच्छा लगे, बढ़िया वर्क कर रहे हैं आप लोग, सेवा रूल इतने प्राइजेस वगैरह में, यू शुड बी एबल टू लीव इट। बहुत छोड़ना तो फिर पीछे मुड़ के देखना, इसे था ही नहीं, पूरा मन फिर भगवान के तत्व चिंतन के अंदर, सर्च फॉर गॉड, आत्म तत्व का चिंतन के अंदर। एज हैज बीन सेड इन द इंट्रोडक्शन, द रियल उपनिषद और पराविद्या बिगिन्स फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, यह है इंट्रोडक्शन, विच कॉन्स्टिट्यूट यमाज सीक्रेट डिस्कोर्स ऑन सुप्रीम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। नचिकेता वॉन्ट्स टू नो दिस सुप्रीम प्रिंसिपल बाय दिस थर्ड बून, मरने के बाद क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, कि वो तो जानते हैं स्वर्ग में जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, जो अग्नि का नचिकेता अग्नि करते हैं, बट ही वॉन्ट्स टू नो समथिंग मोर देन दैट। But the subject being highly transcendental, its right comprehension demands a highly trained, pure and developed mind. That is very important. इसी को कहते हैं अधिकारी। It is not an intellect, याद रखिए, one thing you remember, wherever in spiritual life knowledge की बात की जाती है, ज्ञान की बात की जाती है, तब वहां पर वो ज्ञान ये theoretical knowledge तब भी नहीं होता। It means experiential knowledge, direct experience. So it has to become a living reality. Shri Ramakrishna Swami Turiyanand ji se bolte hain, jab wo Hari bhai the, yuvak the, unse unhone pucha ki wo panchadashi wagera padha karte the, shastra padha karte the, isliye Shri Ramakrishna ke paas bahut dino tak nahi aaye. तब श्री रामकृष्ण एक दिन आए थे, कहा क्या पढ़ रहे हो? तो पंचदशी पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहा हूं। अच्छा, वेदांत पढ़ रहे हो, उसका कंक्लूजन क्या है ये बताओ ना, यही है ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही है बस। तो फिर इसके और ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, ब्रह्म सत्य मिथ्या उसको जीवन में उतारो, ऐसे जियो कि जगत मिथ्या के रूप में जियो, ब्रह्म सत्य उसको मन में लगाओ, मन उसमें लगाओ। दिस इज नॉलेज, याद रखिए। एवरीवेयर श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, दूध के बारे में सुना है वो अज्ञान है, दूध को देखा है वो कह सकते हैं द मोस्ट ज्ञान, लेकिन दूध को पिया है, हृष्ट पुष्ट हुआ है, वो विज्ञान। तो इन वेदांत एवरीवेयर ज्ञान डज नॉट मीन दिस इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इट डज नॉट मीन दैट। आपने ये यहाँ के तीन दिन का कैंप लगाया, उसके बाद कहा हमने किताब पढ़ ली, कठोपनिषद के पाठ हो गई, ये क्या, that is nothing, absolutely nothing. It has to be experienced, has to be practiced everywhere. This is a very important thing. और जब इस प्रकार सोचते हैं तो intellectual knowledge जो है वो बिल्कुल trash लगता है।
کہا نا اتنے سب آرٹیکل لکھے ہیں میرے 100-150 آرٹیکل ہو گئے، پانچ کتابیں چھپ گئی، ابسلیوٹلی ٹریش، بالکل کچرا رکھتا. لوگ چاہے کتاب کے بڑا اچھا لیکچر ہے، واہ بھاؤ، ایبسلیوٹلی نہیں. کتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، دیٹ از دی اونلی تھنگ. اور جب وہ کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ سنسار کچھ رہے نہ رہے، ناویش رہے ہی نہ رہے، اندر اتنی ترپتی اور آنند کا انوبھو ہوگا کہ دین یو ڈونٹ باڈر اباؤٹ دا ورلڈ، نیم فیم ورک سیوا کچھ نہیں، یو آر جسٹ فلی کنٹینٹ ان سیلف. جیسے بچہ ہے تو وہ ڈزنٹ باڈر، ماں کی گود میں ہے، وہ کچھ بھی کوئی بولے گالی دے گئے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، پریس کرے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. دس از ابسولیٹلی آنند. شری رام کرشن واز اے چائلڈ آف ڈیوائن مدر، بس آنند ہے. دیٹ از واٹ وی وانٹ، دیٹ از دی آئیڈیا. So they demands highly trained, pure and developed mind. So it is generally believed that none can properly comprehend the Atma Vidya unless he has requisites. Wo maine bata diya, nitya nitya vastu vivek, iha mutra phal bhog virag, yani vivek, vairagya, samadhi shat sampatti aur mumukshutva, jiski hum charcha kar chuke. Kar liya na usko, to karna nahi, vivek to ho raha hai ye. نتیا نتیہ کا ویویک اور بھی ہے، آتما اناتم ویویک، کئی پرکار کے ہیں. درگ دشیہ ویویک، جو ہم درشیہ ہے اور درگ جو دیکھنے والا ہے اور جو درشیہ ہے، الٹیمیٹلی کم کے آتما ہی الٹیمیٹ درشتا ہے، باقی سب درشیہ ہے. ہم من کو بھی دیکھتے ہیں، ایگو کو بھی دیکھتے ہیں، یہ سب درشیہ ہو گئے، آتما ایک ماتر درشتا. آج صبح بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ یو آبزرو یور باڈی، باڈی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب باڈی کو دیکھتے ہیں یو کین ایکچولی فیل دیٹ یور باڈی از ڈفرنٹ. مائنڈ کو دیکھیے تو مطلب مائنڈ ایک آبجیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم ایک دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. دھیرے دھیرے یہ درک دشیہ ویویک کے دوارا یو گو ٹو آتما، آتما اناتما ویویک، اور شوچی اشوچی ویویک ہے، اور سکھ دکھ ویویک ہے. جو اسکھ ہے، جو دکھ دینے والا ہے، اس کو ہم سکھ کا کارن سمجھتے ہیں، جیسا دھن اور پتر اتیادی کی بات ہوئی، وہ ہم کو دکھ دے گا، یہ ویویک. تو اس پرکار کے ویویک کے دوارا سنسار سے من کو ہٹا کر آتما میں لگانا، تو اس لیے کہتے ہیں یہ ویویک. اور مموکشتو، موکش کی اچھا، فائنل لبریشن. اور میں کس سے بات کر رہا تھا، یہاں بات کر رہا تھا، نہیں وہاں دلی میں جو ٹاک ہوئی تھی اس سے بات کر رہا تھا. میں کلکتہ گیا تھا، ایک بھکت ہے چنئی میں، اپنے تین چار سال تک ہی وہ سکھ ایئر فورس، he was at Chandigarh posted. Uske baad mein uski wife bhi air force mein nurse hai, senior nurse ho gayi hai, ya fir wo jo aapki hoti na matron jaisi, matron jaisi ho gayi, to wo hai. Aur ek ladki hai, very well off, air force mein, not on the apne administrative. تو چنڈی گڑھ کا کلکتہ جاتا ہوں تو ہی پکس می اپ ایئرپورٹ، اپنے اسٹیشن سے یا ایئرپورٹ سے میرے مٹ میں ٹرانس کرتے ہیں، اس کے بعد میرے مٹ سے اسٹیشن وغیرہ. اور ہی ہیز ٹرانسلیٹڈ مینی آف مائی بکس، میرے آرٹیکل آنند کی کھوج جو کتاب ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ہندی میں، سوری بنگالی میں. تو جو بھی ہو، ہیز اے گڈ پرسن. تو اس بار ہی واز کمنگ، ہم آ رہے تھے، لیکن مہاراج سب تو کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی ویاکلتا نہیں. یہ ایسپیریشن جسے کہتے ہیں نا، مموکشتو، ویاکلتا نہیں ہے. ٹھاکر جو بار بار کہتے ہیں وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ کیا ہے کہ ان کے جیون میں کافی سیٹلڈ ہے، وائف کے ساتھ کمپلیٹ رپورٹ ہے. وہ جیون میں جو سنسار میں ہوتا ہے نا آج کل، کھٹ پٹ کھٹ پٹ پوری نہیں ہے. بچی اچھی بریلینٹ ہے، وہ پڑھ رہی ہے، ٹینتھ میں ہے یا کیا ہے، پیسے کی کوئی دقت نہیں ہے، اور ایوری تھنگ از آل رائٹ. جیون میں ویاکلتا نہیں ہے، اور سیکورٹی سب پرکار سے سیٹی تھی، ویاکلتا نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو، ویاکلتا ہے سینسیٹیویٹی کا بات. بدھ کا درشٹانت دیا، وہ تو سب کچھ ٹھیک تھا، بالکل ایوری تھنگ واز آل رائٹ، بٹ اسٹل وی سا دے سم تھنگ. اولڈ ایج دیکھا نا، بیمار کو دیکھا، اولڈ ایج کو دیکھا، اور ڈیتھ باڈی کو دیکھا، اور بس ختم. وہ بیکیم سو ریسٹلیس تھرو آؤٹ دا لائف. بودھی پراپت نہ ہوئے بنا تک وہ بنے رہے،
तो हम लोगों का भी दुर्भाग्य यह है कि मुमुक्षुत्व नहीं। शंकराचार्य एक बार विवेक चूड़ामे में लिखते हैं कि मुमुक्षुत्व और वैराग्य, ये जो चार चीजें बताई ना, उसमें षट संपत्ति तो छह अलग से हो गई, तो छह को मिलाते तो नौ वैल्यूज होती है। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व प्लस सिक्स षट संपत्ति, ये छह नौ वैल्यूज में से, आज के नाम वैल्यूज इज ए गुड सब्जेक्ट, उसमें से कहते हैं कि दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट, वैराग्य और मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा तीव्रता, जिसको हम ठाकुर की भाषा में बोलते हैं व्याकुलता, तीव्रता, हाउ इंटेंस यू आर इन स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ इंटेंसली यू यर्न टू रियलाइज गॉड, भगवान को प्राप्त करने की कितनी व्याकुलता है, चाहते हैं कि नहीं है, मुक्त होना चाहते हैं इतनी छटपट कर रहे हैं। और काफी दृष्टांत है ठाकुर के, वो पानी में डुबा दिया, जब सब ऐसी व्याकुलता हो गई, भगवान का दर्शन, श्री रामकृष्ण गड्ढे में छुरे मारने लगे। तो ऐसी व्याकुलता यदि होवे और तीव्र वैराग्य, व्याकुलता और तीव्र वैराग्य जिसमें दो में, ये दो जिसमें तीव्र हुए, तो बाकी वैल्यूज हो या न, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं कि इन दोनों की मंदता यदि होवे, वैराग्य और मुमुक्षा की मंदता यदि होवे, तो ये सारी दूसरी वैल्यूज रहे तो भी कुछ का ऑब्वियसली, षट संपत्ति पूरी रहे तो क्या है, शम दम है, लेकिन तीव्रता नहीं। अब सज्जन व्यक्ति है, बहुत बढ़िया है, वो फेमस है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये है ना, पांच श्लोक है ऐसा, ये मालूम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवान्। उसके बाद है दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांति माप्नुयात्, शांतो मुच्चेत बंधेभ्य मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। सब ब्यूटीफुल वर्ड। दुर्जन व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, दुर्जन व्यक्ति सज्जन बने, जो सज्जन है वो दुर्जनो सज्जनो भूया, सज्जन शांति माप्नुयात्, शांत होवे। सज्जन है लेकिन रेस्टलेस, दुर्जन तो छोड़ दिया, इमोरल पीपल एंड ऑल दोस थिंग्स से मैं छोड़ दिया, जो झूठ बोलते हैं, डांट डाका डालते हैं, चोरी हत्या से करते हैं, वो क्रिमिनल पीपल को छोड़ दीजिए, इकोनॉमिकल क्रिमिनलिटी और जो भी हो उसको छोड़ दिया। दूसरे हैं हम लोग सज्जन हैं, लेकिन हम लोग रेस्टलेस, शांति मापनो, हम लोगों के लिए आगे एक मार्ग है ना, लेट अस बिकम सात्विक। अभी तमोगुण है या रजोगुण है, रेस्टलेस है, अब लेट अस बिकम प्योर, सो बिकम शांत, शांति हमारे जीवन में आए। शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो, उसके बाद मोक्ष, फिर मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्, मुख्य जो मुक्त व्यक्ति दूसरे को मुक्त करे, दूसरे को मुक्त करे। ठाकुर ने स्वामी जी को कहा था, वो मुक्त हो गए, मोक्ष प्राप्त, अब तुम दूसरों को मुक्त करो, उसके पहले करने लगोगे तो क्या होगा, अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, आप तो खुद जानते नहीं मार्ग को, मोक्ष को, और डूब जाओगे। तो ये दूसरा श्लोक है। तीसरा है, अब बात करें तो सर्वस्तरत दुर्गाणी सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्व सद्बुद्धि मापनोतु, सर्व सर्वत्र गंतु। इसी प्रकार का सर्वस्तरत दुर्गाणी, सभी दुखों से दूर चले जाएं, पार हो जाएं, ये सर्वो भद्राणी, सभी कल्याण के भागी हो, भद्र शुभ शुभ देखें, सर्व सद्बुद्धि मापनोतु, सबकी सद्बुद्धि हो, सर्व सर्वत्र गंतु, सर्वत्र सब आनंद प्राप्त करें। फिर है चौथा, काले वर्षतु पर्जन्यः, वृष्टि समय पर हो, पृथ्वी शस्यशालिनी, पृथ्वी जो है वो हर धन धान्य से पूर्ण हो, लोकोयम् क्षोभ रहितो, संसार के लोग क्षुब्ध न होवे, और लोका समंता नहीं, अभी बोला था व्यास ने, आगे स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तान् न्यायेन मार्गेण,
ब्राह्मणे ये पांच श्लोक है आपको यूनिवर्सल प्रेयर्स है ना किताब प्रतिशुरानंद जी की, उसमें आपको लास्ट पेज पे सुनते हैं। तो जो हो कहते हैं मुमुक्षुत्व की बात कर रहा था, हेंस यमा फर्स्ट टेस्ट नचिकेता विद सो मेनी टेम्पटेशन दैट ही मे प्रूव हिज फिटनेस टू रिसीव द पराविद्या ही आस्क्ड फॉर। द श्रुति हैज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड बाय इम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशन 20:22-26 and 26-29 That Nachiketa has all the above mentioned requisites, qualifications, yama, dharma, यही बताया गया है of the true aspirant, and therefore it has indirectly testified to the fact that none is capable of receiving properly this instruction, atmavidya, unless one be like Nachiketa. This Upanishad vidya does not consist in mere metaphysical disquisition. बट इन द राइट इंटिट्यू परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ, जो मैंने अभी कहा कि यहाँ पर विद्या का अर्थ, जहाँ कहीं भी विद्या और ज्ञान का अर्थ उपनिषदों में है वहाँ डायरेक्ट परसेप्शन की बात है। एंड दिस वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस द माइंड इज परफेक्टली पर्ज्ड ऑफ ऑल इट्स इम्प्यूरिटीज एंड द फॉर्म ऑफ डिजायर काम एंड अटैचमेंट आसक्ति फॉर सेंस एंजॉयमेंट। This the Shruti itself will tell later in more distinct and emphatic tone. So this is a very important portion. क्योंकि हम लोग अधिकारी हैं, इसको पढ़ भी अधिकारी नहीं है, इसको पढ़ भी लेंगे कि अच्छे बहुत विचार आएंगे बहुत हैं, लेकिन हमारा सारा जीवन तो अभी अधिकारी बनने में, ये षट संपत्ति को अपने जीवन में उतारना है, संघर्ष करके आसक्ति को त्याग करना है। राम की कहानी मैं बार बार बोलता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ ना, पहले कभी कही, कभी न कभी तो मैंने क्लास में कही होगी, नहीं कही? जो वैराग्य की बात बार बार होती है, संसार में रहिए लेकिन राम जैसा रहिए। और कहानी इस प्रकार की है कि गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करके राम जब लौटे है ना, शिक्षा प्राप्त करके जब लौटे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो अच्छा सब व्यवस्था हो गई, दशरथ ने कहा ले जाओ तीर्थ यात्रा पे। और तीर्थ में गए तो उसके बाद जब लौट के आए तो राम वॉज ए ट्रांसफॉर्म पर्सन, वो वैराग्य हो गया। देखिए द पर्पज ऑफ तीर्थ इज दिस, जैसे चंडीगढ़ का दृष्टांत देता हूँ, चंडीगढ़ तो अभी मॉडर्न सिटी है 60 से बरस की, तो प्योरली मटेरियलिस्टिक सिटी है, तो एक दो मंदिर है बस, वो पुराना मंदिर मनसा देवी का मंदिर और चंडी मंदिर, उसके अलावा बाकी तो नए मंदिर बने हैं चंडीगढ़ एज कम्पेयर टू उसे काशी। तो काशी तो पता नहीं कितने साल है, 5,000-10,000 साल पुरानी नगरी है, तो वहां पर स्ट्रांग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, काशी मथुरा वृंदावन बेलूर मठ स्ट्रांग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, हम घूम के आते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है आजकल वो तीर्थ भ्रमण जो है वो तीर्थ टूरिज्म हो गया है ना, टूरिज्म हो गया, कुछ नहीं होता है। हम महाराज बड़ा प्रणाम किया, वो पंडित को देखे, कुछ आपने पूजा करवा ली, विश्वनाथ मंदिर में लौट के आ गए, रिमेन एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होता। इसलिए यतीश्वरानंद जी कभी कभी कहते थे तीर्थ भ्रमण नहीं तीर्थ भ्रम। और बंगाली में एक शिशी राम भगवान शिशी राम कृष्ण करके वो है सिनेमा, उसमें भी है, मथुर बाबू कहते हैं ठाकुर को कि बाबा चलो ना थोड़ा सा तीर्थ ढूंढ के आए, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं तीर्थ में घूमने से क्या होगा, तीर्थ पर्यटन ना मन उचाटन। बंगाल में बंगला में बन तीर्थ पर्यटन क्या, मन का वो रेस्टलेस ही करना होगा, तो चलो तुम्हारी इच्छा ऊंची है, उसको देखे बिना अच्छा नहीं लगेगा, चलो घूमे। लेकिन मुख्य बात है अगर आप ठीक ठीक तैयार हो तो वहां पर डेफिनेटली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ज्यादा है। इफ यू आर रिसेप्टिव, काशी में गए, बेलूर मठ में गए, जयरामबाटी में गए, रिसेप्टिव है, वो घूम के चले आए ऐसा नहीं, वहां जाके रहिए, ध्यान जब किए, जो डेफिनेटली आपको लाभ होगा।
That is the purpose of going to tour, not tourism. तो राम गए और राम जब लौट के आए तो वो प्रभाव पड़ा तीर्थों का, was completely changed, उदास रहने लगे. ये योग वशिष्ठ में है, योग वशिष्ठ के फर्स्ट वैराग्य प्रकरण में है. वो डिप्रेस रहने लगे, खाना पीना छोड़ दिया, पीला पड़ गए, हमेशा ऐसा बैठे, लंबी लंबी सांस लेने लगे. इस समय विश्वामित्र आ गए श्री राम राम को ले जाने के लिए जंगल में. तो दशरथ ने कहा कि राम तो डिप्रेशन में है, आज की भाषा में बोले एक्यूट डिप्रेशन, बोला एक्यूट डिप्रेशन में है. तो क्या हुआ? तो क्या वैराग्य हो गया? वैराग्य हो गया तो ये तो अच्छी बात है, सो बुराई क्या? There could be no blessing better than vairagya. Human being का greatest blessing is vairagya. That does not mean that you go with Ram के story में ही आ गया. बुलाओ उसको, राम को बुलाओ. बुलाया, पूछा क्या हुआ तुमको, मैं क्यों खाना पीना छोड़ के बैठे हुए? तो राम ने सारा description किया, ये संसार अनित्य है, ये धन जो है ये अनर्थ की जड़ है, ये स्त्री भोग जो है इतना खराब है, ये पुत्र है ये ऐसा है वैसा है, सारा वो वैराग्य प्रकरण में भगवान राम का विवेक और वैराग्य वर्णन है. तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि हम लोगों का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध हुआ था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने हमको जो ज्ञान का उपदेश दिया था आप इनको दीजिए, ये उत्तम अधिकारी है, इनको वैराग्य हुआ है. वैराग्य हुआ, इज रेडी फॉर दैट नॉलेज, यू टेक इट, गिव इट. तब वशिष्ठ उनको पूरा योग वशिष्ठ सुना. और योग वशिष्ठ में क्या है? ये संसार नहीं है, जगत मिथ्या है, एब्सोल्यूट मिथ्या है, यह मन की कल्पना मात्र है. बढ़िया बढ़िया कहानियां बनी है योग वशिष्ठ, ये सब जो है वो मन की कल्पना, गाधी उपाख्यान बड़ा मजेदार है. एक आदमी स्नान करने गया, डुबकी लगाई तो उसको एक पूरी स्टोरी दिखाई दी एक आदमी की, उसी के बाद में वो कहीं गया था, उसके बाद में वो चांडालों ने पकड़ लिया उसको, चांडाल बन गया, उसके बाद में वो राजा बन गया, राजा बन के लोगों को पता चला कि चांडाल राजा है, तो उसके बाद में लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली, ऐसा ऐसा. ये क्या हो गया? निकल के आया फिर, ठीक है, तो मैं डुबकी लगाना चाहिए, क्या देखा? हिम्मत में सर हो गया, इतने में उठ के जब जाने लगा तो सब मित्र आया, हेलो भाई कैसे हो, कैसे हो, कहाँ से आ रहे थे? वहां से आया. अरे वहां बड़ी भयानक जगह चीज हो गई, क्या हो गया? जो उसने डुबकी में लगा के सोच देखा था वो वही वहां पे हुआ था. एवरीथिंग वॉज हेल्ड, मैं अभी वहां से आया हूँ, वहां पे राजा चांडाल राजा बन गया था, लोगों को जब पता चला तो लोग उसने अपने आप को उन्होंने अग्नि में डाल करके नष्ट कर दिया. ऐसी फुल ऑफ स्टोरीज, जो जितनी स्टोरियां हैं सब बताते हैं कि बाहर का जगत जो है हमारे भीतर. राम को ये ज्ञान दिया और उसके बाद में राम ने कहा, और ठाकुर उसको शॉर्ट कर देते हैं, पढ़ा हुआ जो वचनामृत में, जब राम को वैराग्य हुआ तो भक्त दशरथ किंचित है चिंतित हुए, वशिष्ठ जी को भेजा. वशिष्ठ जी ने कहा राम से कि अच्छा राम ये बताओ, मेरे से बात करो, तुम संन्यास वैरागी हो गए हो, वैरागी हवा है, संन्यास लेना चाहते हो, संसार छोड़ना चाहते हो, मेरे से विचार करो, ये बताओ कि ये संसार और भगवान एक है कि अलग है? अगर संसार भगवान से अलग हो, दोनों भिन्न है, तो संसार त्याग दो, और ज्ञान की दृष्टि से तो दोनों एक है. ज्ञान तो है ये जगत जो है वो भगवान ही है जो जगत के रूप में विवर्त के रूप में दिखाई दे रहे हैं. राम ने विचार किया, ज्ञानी थे, मैंने कहा ठीक है, ये जगत और भगवान भिन्न नहीं है, और हाईएस्ट नॉलेज. और उसी में उनके बाद सारी लीला की, सीता जी गई तो रोने लग गए, सीता के विरह में ऐसा रोए कि लगे कि पागल हो जाएंगे, ऐसा रोना कुछ भी नहीं रो सके. और फिर वो सती जी, कहानी ऐसी है कि ऊपर आकाश मार्ग से शिव जी और सती सर्वी थे फर्स्ट इंकार्नेशन, वो दोनों आकाश मार्ग से जा रहे थे, ऊपर से शिव जी ने राम को बिलख रहे हैं जंगल में ढूंढ रहे हैं सीता को, ऊपर से उन्होंने प्रणाम किया जय सच्चिदानंद करके. तो सती जी ने कहा सच्चिदानंद तो कोई इंडिकेशन तो है ही नहीं, इनमें दुख से भरे हुए हैं, और सत और चित्त का डिफरेंस नहीं है, पेयर को कहते हैं मेरी क्या सीता को देखा है,
और हिरण से पूछते हैं सीता को देखा है पागल हो रहे हैं, मैं टेस्ट करूंगी। उन्होंने कहा कि सावधानी से जाना। शिव जी ने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं नहीं आता। और वहां गए सती जी ने अपने को सीता का रूप बना लिया और राम के रास्ते में आगे खड़ी हो गई। देखा कि आते ही राम को देखेंगे मेरे को, अहे सीते आके जो आराम आलिंगन कर लेंगे, कहाँ कर लेगी थी सुख हो जाएगा। राम ने क्या किया, दूसरे प्रणाम किया कि देवी प्रणाम लीजिए, आप शिव जी को छोड़ के अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं। पूरे ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर, इसलिए ठाकुर भी कहते हैं वैराग्य और ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर जो करना हो सकता संसार में, बिना उसके मजा नहीं। आसक्ति हमारे में होती है, अनासक्ति नहीं होती, बिना अनासक्ति के मजा नहीं। ठाकुर में, स्वामी जी में, माँ में इंटेंस अटैचमेंट, इंटेंस अटैचमेंट, लेकिन इंटेंस डिटैचमेंट। माँ ने राधु को फिर छोड़ा तो छोड़ दिया, फिर देखना भी नहीं चेहरा। और एक जमाना ऐसा था कि एक मिनट भी नहीं रहती बिना के बिना रहते। ठाकुर नरेंद्र के लिए नरेंद्र करते रहते तो रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा इंटेंस लव। और किसी ने कहा कि एक कायस्थ लड़के के लिए आप इतना क्यों सोचते हो, अच्छा नहीं सोचता। ऐसी समाधि लग गई, रोए खड़े हो गए, पूरा मन को हटा लिया। मैं ये कह रहा था कि ये यहां तक जो इंट्रोडक्शन है वैराग्य की बात है, ज्ञान की बात है, लेट अस गेट एस्टैब्लिश इन देट और फिर संसार में जो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार राम का दृष्टांत देता हूं। किताब लीजिए हाथ में, श्लोक साथ में बोलने का, मैं बोलूंगा रिपीट करेंगे। अन्यत श्रेयो अन्यत दैव प्रेय, ते उभे नानार्थे पुरुषम स्नेहः, तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति, हीयते अर्थात् यौ प्रेयो वृणीते। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड अब नचिकेता को यमराज उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, और ये श्लोक और इसके बाद में दूसरा भी जो है, लेकिन एक श्लोक ही अगर आप याद कर सकते हैं तो देट विल बी इनफ। दोनों में से कोई भी एक, दोनों अच्छे हैं, कोई भी। क्या कहा है, अन्यत श्रेयः उत अन्यत एव प्रेयः। अन्यत श्रेय एक अन्य चीज है और प्रेय एक दूसरी चीज है, ये दो भिन्न चीज है। जैसे कहा श्रेय और प्रेय, तथा श्रेय भी है प्रेय भी है, दो भिन्न है। और क्या है ये, ते उभे नाना अर्थे पुरुषम सिनीतः, ये दोनों नाना अर्थ है, भिन्न भिन्न कारणों से पुरुष को बांधते हैं, मनुष्य को बांधते हैं। तयोहो इन दोनों में से श्रेय आददानस्य साधु भवती, जो श्रेय को प्राप्त कर लाता है, आददान से सिलेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसका कल्याण होता है। उ स और जो व्यक्ति अर्थात ही यते यह उप्रेय प्रणीते, जो प्रेय को पारण करता है, प्रेय को स्वीकार करता है, वह अपने लक्ष्य से वह चित हो जाता है। यहां जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, और यह है श्रेय और प्रेय का कंसेप्ट। श्रेय का ट्रांसलेशन कई जगह पे किया है, गुड कहा है, दूसरा श्रेय को मोक्ष भी कहा है। यहाँ पे तो हिंदी में आपका इसमें क्या किया है, गुजराती में विद्या अविद्या किया है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट वन। यहाँ पे इसमें भी
गीता प्रेस गोरखपुर में विद्या विद्या ब्रैकेट ने किया है कल्याण का साधन, कल्याण प्रद, जिसका जो हमारा कल्याण करेगा वह, और जो प्रिय है, आकर्षक है, हमको लगता है टेंटिंग है, वो दो भिन्न प्रकार की चीजें हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। ये कहा निश्रेयस का अर्थ भी है मोक्ष। तो ये दो प्रकार की चीजें हैं। वन थिंग इज गुड एंड क्वाइट डिफरेंट इज प्रेजेंट, हैविंग बीन ऑफ डिफरेंट रिक्विजिशंस दे बोथ बाइंड द पुरुष। गुड फॉल्स हिम हु फॉलोज द गुड, बट लूजेस ही लूजेस द गोल हु चूजेस प्रेजेंट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें सारे जीवन इन दोनों का डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। दूसरा भी कर लें, उसके बाद में फिर इसको वो करेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, तस्तो संपरित्य विविनस्ति धीरः, तस्तो संपरित्य विविनस्ति धीरः, श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो विनीते, श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो विनीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम् एतः, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। धीर व्यक्ति तौ संपरित्य, धीर व्यक्ति उन दोनों की परीक्षा करके, एनालाइज करके, सभी प्रकार से विविनक्ति उनको अलग करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, और फिर जो धीर ही प्रेयस श्रेय अभिप्रणीते, धीर व्यक्ति क्या करता है कि प्रेय से श्रेय को स्वीकार करता है, प्रेय को त्याग करके स्वीकार करता है, श्रेय को स्वीकार करता है, अभिप्रणीते प्रिफर करता है, और मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि मूर्ख बुद्धि व्यक्ति योगक्षेमात् योगक्षेम के लिए प्रिय का वरण करता है। योगक्षेम जानते हैं ना, समझ गए ना, योगक्षेम जो हमारे पास वस्तु नहीं है उसकी प्राप्ति, उसको योग बोलते हैं, और क्षेम उसकी रक्षा। भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेम वमाप्यम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां इत्यादि। जो निरंतर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तो योगक्षेम में उनको सब दे देता हूँ। सच पूछा जाए तो सभी का भगवान को अनन्य भाव से करे न करे, भगवान योगक्षेम हम लोगों का भी वही वही कर रहे हैं। याद रखिए, एवरीवन जिसका लिखा हुआ है ना वो सब मिल रहा है, जिसको आप में लिखा हुआ है सब मिलेगा। वो एक श्री कृष्ण का सीरियल है ना, उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी। श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो इंद्र का मान मर्दन हुआ, और इंद्र ने फिर पहले तो गुस्सा हुआ था, सब दृष्टि करके नाश करना चाहता था, कि इंद्र क्षमा मांगने आए तो श्री कृष्ण उसको डांट लगाते हैं, बालक श्री कृष्ण डांट लगाते हैं कि क्षमा तो करते, तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है, तुम चाहते हो कि लोग यज्ञ तुमको तुम्हारे को यज्ञ करके इंद्र का यज्ञ करके तुमको प्रसन्न किया जाए तब तुम वर्षा करोगे, ये क्या है, यू नीड ब्राइब, तुम्हारे को यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और उसके बाद तुम ब्राइब चाहते हो कि ऐसा करोगे दूंगा ऐसा नहीं दूंगा, यू शुड नॉट डू। और वहां पे एक कमेंट उनके मुंह पे श्राम जो भी उन्होंने कहा कि यहाँ विधान है, ब्रह्मा के लिए विधान है कि जिस भी प्राणी का वह जन्म देगा उसका योगक्षेम की व्यवस्था पहले से कर देगी, खाने पीने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, पक्षी भी जन्म है कुत्ता भी जन्म है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्हाट ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबका योगक्षेम है, जो आपको प्राप्त होगा प्राप्त होगा, लेकिन हम नहीं समझते, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन करेगा उसका योगक्षेम मैं करूंगा, मैं तो कहता हूं कि भगवान को चिंतन करो या न करो भगवान आपका योगक्षेम बनाएंगे, तो ड्यूटी है इंद्र की, अपने ब्रह्मा की ड्यूटी है, ब्रह्मा जी मना कि आपके लिए खाना पीना सब निश्चित है, तो जो हो वो योगक्षेम के लिए
प्रेय की तरफ जाते हैं, श्रेय की तरफ नहीं जाते। अब जरा ये प्रेय और श्रेय को समझ लेना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रिय क्या है? अंडरस्टैंडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, जो हमको अच्छा लगता है, हमारे सेंसेस को अच्छा लगता है, हमको सुख देता है, एंजॉयमेंट देता है, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, जितने सारे टेम्पटेशन जो दिए थे सब प्रिय में आ गए। प्लेजरेबल, लाइकेबल थिंग, व्हाट वी लाइक। और श्रेय जो कल्याणप्रद, जो हमारा कल्याण करेगा। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो तो चाहते हैं मजा करना, खाना पीना, एंजॉय करना चाहते हैं, बट उनको पढ़ने पढ़ाई करनी पड़ती है, चार चार घंटे ट्यूशन करना पड़ता है, कोचिंग क्लासेस में जाना है, दिन रात पढ़ना है, बड़ी बड़ी किताबें हो गई हैं। दे डोंट लाइक इट बट दे हैव टू डू इट बिकॉज इट इज श्रेयस्कर, उनका कल्याण होगा उससे, दिस इज डिफरेंस। और आजकल क्या हो रहा है, और टीवी में श्रेय और प्रेय को पिला दिया। ऑलरेडी कोका कोला से एवरीवन इज टेम्प्टेड, उसको ऐसा बताया है कि वो कहते हैं कोका कोला पिएंगे तो इधर शक्ति आ गई, है ना? ऐसा दिखता है कि जो श्रेयस्कर ऑल्सो, कल्याणकर ऑल्सो, बहुत सारी चीजें बताएंगे, अरे कितना एनर्जी आ गया उसे। ऑलरेडी यू आर टेम्प्टेड, जो प्रिय है उसको श्रेयस्कर बताते। और हमारे शास्त्रों में देखेंगे आप, महाभारत, रामायण वगैरह में, जो श्रेयस्कर है अल्टीमेटली कहते हैं वो भी प्रिय भी है। आप धर्म को पकड़े रहो, उसके बाद में उन लोगों को देखो, पांडवों को बाद में राज्य मिल गया, लेकिन धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने श्रेयस्कर को पकड़ा, अल्टीमेटली उनका योगक्षेम भी वहन हो गया, आपको जो मिलना था वो मिल गया। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए मैंने कहा श्रेय और प्रेय का। और हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए, बच्चे को क्या करते हैं शुरू शुरू में, अच्छा पढ़ो बेटा, पढ़ो तो तुमको टॉफी देंगे, है ना, पढ़ो टॉफी देंगे, आश्रम में जाता है, मम्मी चलो आश्रम में चलो, उसका तो आश्रम से इंटरेस्ट नहीं है, वो स्वामी जी जो टॉफी देंगे, अरे प्रसाद मिलेगा ट्रॉफी देंगे, तो ठीक है। जो उसको पहले प्रिय बना दिया, और बाद में क्या हो जाता है, टाइम कम्स कभी वो इम्प्रेशन बन जाता है कि आश्रम अच्छी जगह, दैट इज द आइडिया, बढ़िया है, वहां पे अच्छा लगता है, क्लीन है, खेल सकते हैं, खुला जगह है, और मिठाई ट्रॉफी मिलती है, प्रसाद मिलता है, तो आश्रम आश्रम। बाद में जब बड़ा हो जाएगा तब वो मिठाई तो छूट जाएगी, लेकिन जो इम्प्रेशन पड़ गया उसके ऊपर कि आश्रम अच्छी जगह है। तो हमारे यहाँ पे श्रेयस्कर को प्रिय के रूप में भी प्रेजेंट किया जाता है, दैट्स द आइडिया। नोट पढ़ लें, द पुरुष और आत्मन इज परफेक्ट बाई हिमसेल्फ, ही नेवर बिकम्स द एजेंट ऑफ एनी एक्शन, येट थ्रू द इल्यूजन ऑफ इक्वलिटीज हिमसेल्फ लिमिटेड एट कंडीशन बाई बॉन्ड्स, सो बाय द सेम इल्यूजन अगेन ही फील्स हिमसेल्फ एज इफ एक्टिंग फॉर ए सर्टन एंड, बी इट फॉर सेंस प्लेजर और फाइनल इमेंसिपेशन। हेंस फ्रॉम द स्टैंडपॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट आत्मन, बोथ डिजायर फॉर सेंस प्लेजर एंड इमेंसिपेशन आर बॉन्डेज, ठीक है ना, दोनों क्या कहते हैं सीनीत, दोनों जो है वो मानते हैं, पुरुष ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनीत, दोनों ने बांधा श्रेय और प्रेय दोनों ने बांधा, लेकिन फ्रॉम द रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आत्मा तो कभी बनती नहीं, द आत्मन इज एवर फ्री, इट नेवर वॉज नॉर विल इट बी बाउंड, सो एनी अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट to set himself free is nothing but delusion and bondage, yet desire for emancipation is absolutely necessary for ordinary deluded soul, this desire negates itself finally dispelling the nonsense of life, इसको छोड़ दीजिए, that is not very important, most important जो जो चीज है वो ये है कि दोनों में discriminate करना, हमेशा discriminate करना, we have to be very careful कि हम प्रिय की तरफ तो नहीं जा रहे। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽध्यक्षाक्षी नेताक्षीं कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए रंगराज कहते हैं, हे नचिकेतः सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश कामान् अभिध्यायन् अत्यसाक्षी, तुमने
सतुम जो तुम हो, उन्होंने क्या किया, प्रिय प्रिय रूप, यानी जो अच्छे हैं हमको प्रिय लगते हैं और उनका रूप भी प्रिय है, प्रेजेंट इन अपीयरेंस, यानी सेंसेस को अट्रैक्ट करने वाली वस्तु भी है, ये अच्छी हमको लगती है। कामान, ऐसी कामनाओं को अभिध्यायन, विचार करके, विवेक करके, पॉन्डर अपॉन, उसके बाद विचार करके अत्य साक्षी तुमने त्याग दिया। नहीं, विचार करके, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार 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 इसकी बात आ रही है, विचार करके जो प्रिय है उसको अब कल्याण कर है उसके सेपरेट कर लीजिए। स्ट्रगल, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, ब्रह्मानंद जी कहते थे स्ट्रगल, विवेक करके, हमेशा स्ट्रगल करके, यू हैव टू पास थ्रू दी टूवर्ड्स दी श्रेयस्कर। अत्य साक्षी वित्तमयीम एताम शिंकाम न अवाप्त, तुमने हमने जो ये वित्तमयी शंका, जो पाथ ऑफ वेल्थ, शंका शंका यानी स्ट्रिंग, और यहाँ पे पहले भी है, कर्म क्यों लेते हैं, ऐसे काम, ऐसा कोर्स ऑफ इवेंट्स जिसमें तुमको धन मिलेगा उसको तुमने अस्वीकार किया, जिसमें यस्याम बहवः मनुष्याः मच्छन्ति, अधिकांश मनुष्य धन के लिए, पैसे के लिए तो बिजनेस करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बस उसी के पीछे लगे, और आजकल तो कमर्शियल एज के अंदर तो वही दैट इज बिकम द मेन पुरुषार्थ, ऐसा कहते। तो उसने कहा कि नचिकेता तुमने ये सारी की सारी बातें विचार करके लिखा ना यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अभिध्यायन, विचार करके देख लिया कि इससे ठीक नहीं है, उनको तुमने त्याग दिया। दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता विद्या भीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये नत्वागामा बहवो लोक लुपन्ता। उसी बात को बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, याच अविद्या याच विद्या इति ज्ञाता, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये दोनों भिन्न है, क्यों, एते दूरम विपरीते विशुचि, ये दोनों दूर है एक दूसरे से, बिल्कुल भिन्न है, इसलिए वहां पे आपको हिंदी ट्रांसलेशन में विद्या विद्या कर दिया, श्रेयस्कर को विद्या किया है और प्रिय को अविद्या किया है। यहाँ पे कहते हैं कि अविद्या और विद्या बिल्कुल भिन्न है, वो दोनों क्या है, दूरम विपरीते विशुचि, डिफरेंट एंड्स, उनका जो पर्पस है, गोल है, वो भिन्न है, वाइड अपार्ट। चिकेतसम विद्या अभिभीप्सिनम मन्ये, मैं तुझे विद्या का अभिप्सा करने वाला, एस्पिरेंट फॉर नॉलेज, ज्ञान का अधिकारी, ज्ञान को प्राप्त करने वाला मैं समझता हूँ, क्यों क्यों, यतः बहवो कामा त्वाम न लोलोलुपन्तः, क्योंकि बहुत सी कामनाएं वासनाओं ने तुम्हें प्रलोभित नहीं किया। तो यहाँ पर श्रेय और प्रेयर को उन्होंने विद्या अविद्या कर दिया, और अविद्या जितना भी टेम्पटेशन है इसको सब अविद्या के अंदर डाल दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली वो दुख देने वाला है, जितना धन में जाओगे उस पर सब, जैसे कि अभी डिस्कस पूरा अपनी डिटेल में कर चुके हैं। तो जो प्रेषरीय प्रिय का मार्ग है उसको यहाँ पर अविद्या का मार्ग कहा गया, क्योंकि वो अविद्या के कारण बंधन पड़ता है। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, दो माया, विद्या माया अविद्या माया, विद्या माया बंधन में डालती है, अविद्या अविद्या माया बंधन में डालती है, विद्या माया बंधन से मुक्त करती है, लेकिन दोनों माया। फेमस दृष्टांत है, एक कांटा चुभा हुआ है पैर में, तो दूसरे कांटे से उसको निकाल के और दोनों को फिर फेंक देते हैं, तो विद्या के द्वारा अविद्या का नाश करके, तो आई अल्टीमेटली गो बैक टू
उसके भी परे चले जाना है, जिसको अभी हमने पढ़ा था। वो कहते हैं जो हमारी आत्मा है वो सब उनसे ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जब तक विद्या नहीं होगी, जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम उसको जान नहीं सकेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।